नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश के प्रख्यात विश्वविद्यालयों में से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दहशत फैलाने वाले गिरोह को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि गश्त के दौरान थाना सिविल लाइन के पास फिरदौस नगर पुल के पास पहुंचे तो मीनारा मस्जिद के पास एक बोलेरो गाड़ी नंबर UP15CL5928 व एक सेंट्रो कार जिसका नंबर DL7CL1635 संदिग्ध हालत में खड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही गाड़ी में बैठे व्यक्तियों के नजदीक बढ़े तो पुलिस वालों को देखते ही गाड़ी में बैठे बदमाशों ने एकदम से पुलिस वालों पर फायर कर दिया, जिससे पुलिस वाले बाल बाल बचे। इनमें से एक गोली उपनिरीक्षक तसव्वर अली के नजदीक से होकर निकल गई। पुलिस वालों ने भी अपने बचाव में आत्मरक्षा के लिए फायर किया तो कुछ बदमाश मौका देखकर भाग गए। शेष बदमाशों को पुलिस वालों ने सतर्कता से बचते हुए गाड़ियों के नजदीक पहुंचकर घेर लिया और बल प्रयोग करते हुए मौके से 8 बदमाशों को अवैध भारी असलाह व कारतूस के साथ व गाड़ियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किए गए बदमाशों ने थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र के अंतर्गत और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पूर्व छात्र नेताओं और प्रतिष्ठित छात्रों के ऊपर हुए दर्जनों हमलों का खुलासा किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भीतर दिनों से कैंपस के भीतर गोलीबारी की कई घटनाएं हुई, छात्र के अलग अलग गुटों के बीच में घटनाएं हुई, छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों को गोलियां लगी। छिटपुट रूप से इस पर पुलिस कार्रवाई कर सकी। हमारे शहर की पुलिस ने सर्विलांस ने मिलकर पूरे गैंग को एक साथ हम लोगों ने पकड़ा है। इनके पास से बड़ी मात्रा में शस्त्र और कारतूस बरामद किए गए हैं और कैंपस और उसके आसपास हुई पिछली 8 घटनाओं का खुलासा हुआ है।